पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जानवरों में से कुछ पानी में पाए जाते हैं, जिनमें से अधिकांश के जबड़े शक्तिशाली होते हैं और बिजली की तेजी से हमला करते हैं। यही वजह है कि मछुआरे आमतौर पर अपने रास्ते से बहुत दूर रहते हैं। अम्बो जलाटन अधिकांश मछुआरों की तरह था। उसने एक शांत जीवन व्यतीत किया, लेकिन समुद्र में एक शातिर जानवर के साथ घनिष्ठ मुठभेड़ के एक दिन बाद सब कुछ बदल गया। वो कलामंतन से था। कलामंतन इंडोनेशिया की एक जगह है और उसने अपना आधा जीवन पानी में बिताया था। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की मछली पकड़ने वाली नाव थी, जिसे वो हर सुबह 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 समुद्र में मछलियां पकड़कर बाजार ले जाने के लिए डॉक पर ले जाया करता था। अम्बो अपने नवजात बेटे बूडी का भरण पोषण करने के लिए काम कर रहा था। हर नाव भरी हुई मछली अम्बो को प्राथमिक विद्यालय जाने के लिए बूडी का भुगतान करने में मदद करती थी। वो नहीं चाहता था कि उसका बेटा बूडी बड़ा होकर उसकी तरह एक मछुआरा बने। अम्बो युवा था और अकेले काम करता था। उसे मछली पकड़ने की रेखाएं तैयार करनी पड़ती थी और हर सुबह अपनी नाव को समुद्र में ले जाना पड़ता था, जो कोई आसान काम नहीं था। वो एक नदी के बगल में रहता था और अपनी छोटी नाव को पास में रखता था, इसलिए प्रत्येक दिन उसे 10 मिनट के लिए कष्टप्रद नदी के माध्यम से नेविगेट करना पड़ता था, जब तक कि वो समुद्र के एक शांत हिस्से में बहती नहीं थी। जब वो समुद्र में पहुंच गया तो उसे शांत महसूस हुआ कि सूरज अभी भी सी लाइन के पीछे छिपा हुआ था। अम्बो अपनी पसंदीदा स्पॉट पर पहुंचने के लिए पैडल मार रहा था। आखिरकार अम्बो बाकी मछुआरों से पहले अपने पसंदीदा स्पॉट पर पहुंच जाता है, लेकिन अगर उसे पता होता कि उस दिन पानी में क्या उसका इंतजार कर रहा है, तो जिंदगी में कभी उस जगह पर नहीं गया होता। वो शायद अपनी नाव में कभी ना होता। पहली बात, अम्बो बोटोंग के द्वीपों पर बड़ा हुआ था। उसने अपने जीवन काल में एक छोटे से गांव को शहर में बदलते हुए देखा था। जब वो अभी भी एक लड़का था, वो और उसके पिता किसी अन्य जीव को देखे बिना घंटों तक अपनी नाव में बैठे रहते थे। अब वो बड़ी नावों को कोयले और सामग्री को द्वीप से स्विंग करते हुए देख सकते थे। इसका मतलब था स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए अधिक पैसा, लेकिन नदी में अधिक प्रदूषण। बहुत कुछ बदल चुका था, लेकिन उसने इसे परेशान नहीं होने देने की कोशिश की। फिर भी वो समुद्र में मछली और जानवरों के माध्यम से अपने गृह नगर से जुड़ा हुआ महसूस करता था। यहाँ तक कि वो अपने दिनों में भी वो पास में तैरने जाता था। रीफ और नई मछलियों की तलाश में उसने पाया कि सबसे आश्चर्यजनक जानवर आपके पास तब आए जब आप देख भी नहीं रहे थे। और अम्बो ने अपनी नाव रोक दी, अपनी लाइनें सेट कर ली। वो अपने पैरों को ऊपर रखने के लिए तैयार था और सूर्योदय देखा, लेकिन उसने नहीं किया। पर उसके पास आराम से बैठकर सूर्य उदय को देखने का समय नहीं था और पानी में कुछ था जो उसके जीवन को बदलने वाला था। उसके एक मछली पकड़ने की रेखा अचानक बाईं ओर उछली और उसने नाव के किनारे पर झांका। सोचा ये एक बड़ी मछली रही होगी, लेकिन उसने किसी चीज की परछाई को देखा नाव के नीचे, जो मछली के लिए बहुत नुकीली और बड़ी दिखती थी, क्योंकि मछली पकड़ने की रेखा छाया खींच गई थी। उसने जल्दी उस मछली पकड़ने वाली छड़ी को खींच लिया जो उसके पीछे पानी में उड़ रही थी। अम्बो रिस्पॉन्स करने के लिए बहुत धीमा था और समय पर उसे पकड़ नहीं पाया। तभी उसकी नाव अगल बगल से हिलने लगी और उसने उसे स्थिर करने की कोशिश की। तभी एक विशाल हरा शरीर पानी के छोटे से बीच पानी से बाहर निकला। उसने देखा कि उसके नुकीले दांत थे और उसकी त्वचा भी तेज दिख रही थी। उसने महसूस किया कि एक मगरमच्छ था। पहले उथले पानी में मगरमच्छों को देखा था, लेकिन दलदल में इतनी दूर कभी भी अम्बो ने नहीं देखा था। ये पूरी तरह से विकसित मगरमच्छ नहीं था, शायद लगभग 3 फीट या 1 मीटर लंबा। और जैसे ही वो मगरमच्छ मुड़कर पानी में जा ही रहा था, तो अम्बो ने देखा एक बड़ा प्लास्टिक बैग W जैसे उसके मुंह में अटक गया था। जानवर ने अपने जबड़े को खोलने की कोशिश की। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दम घुट रहा हो। इस बार में सोचे बिना अम्बो खतरनाक मगरमच्छ के ऊपर कूद गया और अपने हाथों से उसका मुंह खोलना शुरू कर दिया। दोनों पानी के ऊपर नीचे हो रहे थे, जैसे मछुआरे और शिकारी के बीच कुश्ती हो रही हो। लेकिन अपनी नाव को नदी तक खींचने के वर्षों के एक्सपीरियंस ने अम्बो को मजबूत बना दिया था। कुछ सेकंड बाद ही वो मगरमच्छ के मुंह से प्लास्टिक को बाहर निकालने में सक्षम हो गया और जानवर को निश्चित मृत्यु से बचा लिया। फिर उसने मगरमच्छ को दूर धकेल दिया। अपने पैरों के साथ खुद को नाव पर वापस तैरने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए मगरमच्छ ने अम्बो को देखा और वे दोनों एक पल के लिए जम गए और जानवर जल्दी से तैर कर दूर चला गया। अम्बो ने कहा, मैं वापस नाव में चढ़ गया और अपने गीले कपड़े उतार दिए। विश्वास नहीं कर सकता था अभी क्या हुआ।
एम्बो का दिल जोरों से धड़क रहा था और उसने शांत तो होने का कुछ समय लिया, लेकिन दिन खत्म नहीं हुआ था और ये और भी विचित्र होने वाला था। थोड़ी देर बाद जब एम्बो वापस नदी की ओर जा रहा था तो उसने अपनी नाव के पीछे कुछ छींटे सुने। उसने पीछे मुड़कर देखा और अपने आश्चर्य से फिर से मगरमच्छ था। एम्बो को नहीं पता था कि वो खतरे में है या नहीं, इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मगरमच्छ ने जल्दी उसे पकड़ लिया और नाव के बगल में तैर गया। नाव को धीरे से हिलाया और एम्बो ने महसूस किया कि वो उसके साथ खेलने की कोशिश कर रही है, इसलिए एम्बो ने उसे एक मछली फेंक दी, उसकी एक मछली जो उसने पहले पकड़ी थी। मगरमच्छ ने उसे काट लिया और नाव के बगल में तब तक तैरता रहा जब तक एम्बो उसके घर के पास नहीं पहुंच गया। उसकी पत्नी नदी के किनारे के पास हुई और उसे चिल्लाते हुए बाहर देखा। उसने घबराहट में कहा, वहां एक मगरमच्छ है, लेकिन एम्बो ने उसे भरोसा दिया, सब ठीक है। जब तक उसने नाव पार्क नहीं की तब तक उसने उस पर विश्वास नहीं किया और मगरमच्छ धीरे धीरे अपने नए दोस्त के पास तैर गया। एम्बो ने उसे एक और मछली सौंप दी। इस बार नदी में थोड़ा और तैरते हुए मगरमच्छ ने उसे छोड़ दिया। ऐसा लगा ये जीवन भर के अनुभव में एक बार आया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एम्बो की पत्नी के पास कुछ अच्छी खबर थी। वो अपने बेटे को मछली पकड़ने की यात्रा पर ले गया था। जबकि उसकी पत्नी ने उसे फोन किया, उसने उसे बताया कि कुछ आश्चर्यजनक हुआ है। वर्षों पहले मगरमच्छ वापस आई थी और वो एम्बो की तलाश कर रही थी, क्योंकि वो वहां नहीं था। वो वहां से चली गई, जैसा कि उनके पड़ोसियों ने बताया। फिर अगली सुबह एम्बो मगरमच्छ को खोजने के लिए घर लौटा। फिर से उन्होंने नदी के उथले हिस्से में एक दूसरे का विवादन किया और मगरमच्छ ने एम्बो को करीब आने दिया। मगरमच्छ अब पहले की तरह उतना छोटा नहीं था जितना उसे याद था। सिर से पांव तक 23 फीट या 7 मीटर तक फैले पूर्ण आकार के मगरमच्छ में विकसित हो गया था। सब कुछ बदल चुका था, लेकिन जो कभी नहीं बदला वो एम्बो के लिए प्यार का स्तर था। जानवर ने उसे याद किया कि वो उस दिन अपनी जान बचा रहा था। जब से उसकी वापसी हुई तब से एम्बो ने मगरमच्छ का नाम रिज़का दिया। वो तैर कर घर तक की तलाश में और कुछ खाने के लिए गई थी, लेकिन जब वो नहीं दिखाई दी तो सबसे अनएक्सपेक्टेड काम करता है। वो अपनी नाव निकालता है और किसी भी पालतू जानवर की तरह नदी में उसकी तलाश करता है। एक मालिक क्या करेगा अगर उनका पालतू कुत्ता या बिल्ली गायब हो जाए। ठीक उसी तरह वो नदी में तब तक घूमता है जब तक उसे नहीं पाता है। जब वो पा लेता है तो उसे कभी कभी मछली या 3 मुर्गियां भी खिलाता है। जब वो संतुष्ट हो जाती है और तैर जाती है, इससे एम्बो को भी खुश हो जाता है और वो खाना खिलाना कभी नहीं भूलता उसे। भले एम्बो काम के लिए शहर से बाहर गया, वो अपने पड़ोसियों या दोस्तों के लिए ड्रॉप करने की व्यवस्था करेगा और मगरमच्छ को खाने के लिए कुछ देगा। इस तरह से वो कभी भूखा नहीं रहता। भले एम्बो व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल करने के लिए ना हो, वर्षों से एम्बो के बेटे बूडी का भी मगरमच्छ से लगाव हो गया था। उसका एक पसंदीदा काम मगरमच्छ को अपने पिता के साथ खाना खिलाना था। रिज़का मछली पसंद करता था, लेकिन विशेष अवसरों पर चिकन उसके मेन्यू पर होता। मगरमच्छ की कहानी ने बूडी को बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया। एक बदलाव, उसने हर हफ्ते नदी में प्लास्टिक की सफाई शुरू कर दी और पास के शिपिंग शहर से प्रदूषण को रोकने के लिए एक राजनेता बनने का सपना देखा। मगरमच्छ अगले 20 सालों तक एम्बो के घर जाता रहा। कभी कभी वो नदी के माध्यम से अपनी नाव का पीछा करती थी, जैसे उसने अपने पहले दिन किया था। जब भी मगरमच्छ घायल होता था तो एम्बो उसे बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करता था। उसने पशु चिकित्सक को नदी के नीचे भी बुलाया। एक दिन पशु चिकित्सक बहुत डर गया, लेकिन उसने एम्बो को बताया क्या करना है और उसे कुछ दवाई भी दी। किसी को भी विश्वास नहीं था कि एक मगरमच्छ उस व्यक्ति पर भरोसा कर सकता है, लेकिन रिज़का के साथ एम्बो की दोस्ती ने उन्हें गलत साबित कर दिया। क्या आप कभी विश्वास करेंगे एक मगरमच्छ और एक इंसान सबसे अच्छे दोस्त हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये थी मगरमच्छ और एम्बो की दोस्ती की कहानी। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर देना। अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।